नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय है और आप देख रहे हैं केवी टेक्निकल। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा एलजी का ये वॉशिंग मशीन है और इसका जो जहां पे ड्राई होता है कपड़ा वो ड्राई नहीं हो रहा, वो चल नहीं रहा। ठीक है, यहां पे देखिए इसका टाइमर लगा हुआ है और इसके पीछे पहले खोल कर देख लेते हैं कोई गड़बड़ तो नहीं है, कहीं कोई चूहा तार तो नहीं काट दिया है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे खोल कर दिखाएंगे क्या है, कैसे इसे ठीक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए इसके पीछे जो ढक्कन लगा हुआ है उसे पहले हम लोग खोल कर अलग कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए सारा कनेक्शन इसमें है। ठीक है, तो इसमें हम पोलिथीन लगा दिए थे ताकि इसमें पानी ना जाए। तो यहाँ देख लेते हैं, सबसे पहले तो लाइन आप काट लीजिए और सारे वायर को पहले चेक कर लीजिए कि ठीक है कि नहीं। ठीक है, ये कैपेसिटर देखिए दोनों मोटर के लिए है। ठीक है, ये देखिए एक मोटर यहाँ पे है स्पिनर के लिए और एक है यहाँ पे वॉशिंग के लिए। तो यहाँ पे जो मोटर है, यहाँ पे जो मोटर है, ये मोटर हमारा कपड़ा सुखाने के लिए है। तो ये मोटर अभी काम नहीं कर रहा, तो ये दोनों मोटर का, एक मोटर दो मोटर, ठीक है, दोनों मोटर का कनेक्शन देखिए इसी कैपेसिटर से आया है। ठीक है, कैपेसिटर भी बाद में हम लोग चेक करेंगे कि खराब है कि नहीं। पहले हम लोग इसका जो स्विच है, यहाँ पे जो कनेक्शन आया है उसे हम लोग चेक कर लेते हैं। उसको चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो स्पिनर का यहाँ पे टाइमर लगा हुआ है, टाइमर को पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कहीं वहाँ से फॉल्ट तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये मोटर जो है वॉशिंग वाला वो घूम रहा है लेकिन ये नहीं घूम रहा। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये टाइमर स्विच है, टाइमर स्विच देखिए इस तरह से करने से ये काम कर रहा लेकिन मोटर स्पिन नहीं हो रहा। अभी आपको दिखा देते हैं हम, यहाँ पे देखिए मोटर क्लिक करो तो बेटा चेक करो तो, रुक रुक, हाँ देखिए यहाँ पे ये वाला स्पिनर इसका घूम नहीं रहा है ड्रम। ठीक है, तो इसे हम पहले पूरा खोल देते हैं, ढक्कन को मैंने पहले खोल कर रखा है। तो यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं कोई चीज़ फंसा हुआ तो नहीं है, लेकिन देखिए टाइमर चल रहा है लेकिन घूम नहीं रहा। ठीक है, तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इस टाइमर वाले जो पैनल है उसको हम लोग खोलेंगे। ठीक है, पहले तो ये टाइमर का जो स्विच है उसको हम लोग खोल लेते हैं, कहीं यहाँ से कुछ तो नहीं है। अब क्या करेंगे, टाइमर देखिए काम कर रहा, सही काम कर रहा। अब इस पैनल को खोलकर अलग करेंगे। देखिए इस पैनल में तीन नट लगे हुए हैं स्क्रू, एक दो और यहाँ पे तीन। ठीक है, तीनों को पहले खोलकर अलग करेंगे, तीनों खोलकर अलग कर लेते हैं। इसको भी खोलिए, देखिए खुलकर अलग हो गया है। अब आगे से आपको दिखा देते हैं, देखिए ये जो इसका लॉक है यहां से टूट गया है, इसका ढक्कन का लॉक, ये इसे लग रहा चूहे ने काट दिया। ठीक है, तो इसे पूरा पहले ढक्कन को खोल लेते हैं। ये देखिए कि ये पिन जो है यहाँ से इसका जो ये है निकल गया, टूट गया। तो इसे क्या करेंगे कि इसे हम लोग फेविक्विक से जोड़ देंगे, लेकिन ढक्कन बंद नहीं होगा तो भी इसको चालू कर देना है। ठीक है ना, क्योंकि ये तो कमज़ोर हो गया। ठीक है, तो इसे हम जोड़ देते हैं पहले। तो यहाँ पे इस तरह से इसे डाल लेंगे, और इसे थोड़ा सा अच्छी तरह से सभी जगह डाल देंगे ताकि ये पकड़ ले, और थोड़ी देर छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए। ठीक है, अब देखिए तो चिपक गया है, अब इसे अपने जगह पे इसे हम लोग सेट कर देंगे। इसको
इसके अपने लॉक में फंसाना है, ठीक है। इसे देखिए अपने लॉक में फंसा दिए, लेकिन यहाँ पे देखिए एक स्विच लगा हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अभी आपको दिखा। देखिए ये जो स्विच लगा हुआ है यही मोटर को घुमाता है, ठीक है ना। अगर ये स्विच इस तरह से नहीं होगा तो ये मोटर चालू नहीं होने देगा, ठीक है ना। ढक्कन अगर आप खोल के रखिएगा तो देखिए ये स्विच ऑफ हो जाएगा, अगर ढक्कन को बंद कीजिएगा तो ये स्विच इस तरह से ऑन हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए देखिए ये तो टूट ही गया है, तो टूटने की वजह से हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों वायर को आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। ढक्कन खुलेगा भी तो चलेगा और नहीं खुलेगा तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये टूट गया है। तो इसे हम क्या करेंगे, अभी हम जोड़ देते हैं। तो इस स्विच को अभी हम खोल देते हैं, खोल कर इसे आपस में इसके दोनों वायर को जोड़ देंगे ताकि मोटर को कनेक्शन मिलता रहे। तो ये स्विच हमारा देखिए खुल गया है, देखिए इस तरह का स्विच होता है, ठीक है। तो इसे सिंपली हमें क्या करना है, ये दोनों वायर को आपस में कनेक्ट कर देना है। सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा वायर को कट करके इस तरह से अलग करना है, ठीक है, और इधर वाले वायर को भी थोड़ा सा कट करके अलग करना है, वहीं उसी पोजीशन पे। देखिए ये हो गया, अब क्या करेंगे, ये दोनों को आपस में इस तरह से जोड़ देंगे, ठीक है। ये देखिए आपस में जुड़ गया ये, अब यहाँ पे थोड़ा सा टेप कर देना है ताकि करंट ना लगे। अगर आपका ड्रायर नहीं चलता है तो इस तरह से इस स्विच को निकाल कर आप इसे शॉर्ट कर दें तो आपका ड्रायर काम करने लगेगा, ठीक है। अब इसे हम उसी स्थान पे लगा देंगे जहाँ से इसे हमने खोला है, ठीक है, इसे हम वहीं पे लगा देंगे। ये देखिए हो चुका है, अब हम इसे टेस्ट कर लेते हैं चलता है कि नहीं, ठीक है। तो टेस्ट करने से पहले जो ये पैनल हमने खोला था इसे हम थोड़ा सा सेट कर देते हैं ताकि दिखाने में थोड़ा सा आसानी हो, ठीक है। देखिए पैनल को मैंने सेट कर दिया है, देखिए पैनल हमारा सेट हो चुका है, ठीक है, ये काम कर रहा है। अब इसके ढक्कन को भी थोड़ा सा लगा देते हैं, नहीं तो ये जो ड्रम है ये इधर उधर हिलेगा तो गड़बड़ हो सकता है कुछ, ठीक है। तो ये ड्रम को पहले ढक्कन को लगा देते हैं, ये इस तरह से यहाँ पे इस तरह से इसे लगाना है और यहाँ पे जो स्क्रू है वो टाइट कर देना है, ठीक है। देखिए ये पैनल को मैंने लगा दिया है, अब इसे हम चालू करके आपको दिखा देते हैं किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। अब देखिए आपको हम घुमा कर दिखाते हैं, ये देखिए ये चल रहा है, ठीक है। मोटर चल रहा है, ठीक है, यानी कि वे स्विच जो खराब था, स्विच टूट गया था उससे ही प्रॉब्लम था, ये हमारा मोटर चलने लगा, ठीक है। इस तरह से आप अपने वॉशिंग मशीन के ड्रायर सेक्शन को ठीक कर सकते हैं, ठीक है, बिना सर्विस सेंटर गए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।